जय जय श्री राम जय जय श्री राम 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 और आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो सरकार नाम लेते हैं उन्हीं के आप YouTube चैनल के माध्यम से लाइव देखते हैं हमारे भाई सरकार का यहाँ भी और लगाते जा रहे हैं। और तभी तो हम कहते हैं हस्तियों को मिटाकर हमने ये शोक पाले हैं, हस्तियों को मिटाकर हमने ये शोक पाले हैं। हस्त कहते हैं हम बागेश्वर हैं। आज बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार में पहुँच रही है। जी हाँ, माता एक और एक बुजुर्ग ये ज्यादा और दोनों परिक्रमा लगाते हुए देख सकते हैं आप कितना सरकार के दर्शन करने प्रयास। और मैं मध्य प्रदेश की सरकार से जो भी यहाँ के विधायक है उनसे ये कहूँगा बागेश्वर धाम सरकार के जो दरबार में जल्दी से जल्दी का कार्यक्रम जल्दी किया जाए क्योंकि भक्तों को आने में यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं भगत कैसे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पानी में भरे हुए। बागेश्वर धाम सरकार के जहाँ तक धाम पे चली जा रही है बिल्कुल दिक्कत बहुत ज्यादा परेशानी और कीचड़ में परिक्रमा लगानी पड़ती है नंगे पैर आकर यहाँ। और सड़क जलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। आप देख सकते हैं गड्ढे भी कैसे हो गए हैं और कितना पानी भरवा तो भी ये माता दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार जय जय श्री राम जय जय श्री राम। यही बात तो मां मैंने सरकार वालों से आपको बता रहा हूँ सोशल मीडिया वाले नहीं बोलते हैं हम खुल के बोलते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, हम कट्टर छाती के सनातनी हैं। और ये सड़क जल्दी से जल्दी बागेश्वर धाम सरकार के चल जानी चाहिए। और एक और बात कहेंगे मन की गति है अटपटी झटपट लखे ना कोई मन की खटपट तब मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम से मन ही करते फजी। जी हाँ बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए पहुँच रही है। सरकार के दर्शन बोलो बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा।